वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो एक है, सभी को अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों की अंतरात्मा, जो अपने ही एक रूप को अनेक प्रकार का कर लेता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मदेव से हमारी प्रार्थना है कि मैं आपके उस परम स्वरूप को, जिसे उपनिषदों ने, वेदों ने नेति नेति कहकर महिमा का गगान किया है, उसे प्राप्त करने में हे पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करें, जिससे मैं नित्य सुख को, नित्य शांति को प्राप्त कर सकूं। हे अविनाशी, आप अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप हैं तथा ब्रह्मा आदि चेतनों में चेतन हैं। आप ही हैं जो अकेले ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। हे परम पिता, मुझे आप अपने उस स्वरूप का ज्ञान कराएं, जिससे मैं आपकी नित्य शांति को प्राप्त कर सकूं। अनित्यों नाशवानों में नित्य अविनाशी चेतन स्वरूप का ज्ञान प्रदान करें। जिस आत्मविज्ञान को विवेकी पुरुष अनिवराज्य परम सुख मानते हैं, उसे प्राप्त कराने में आप मेरी सहायता करें। आपके प्रकाशमान से ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उस प्रकाश से ही सब कुछ भासता है, सब कुछ दृश्यमान होता है। ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये जगत, सभी कुछ प्रभु आपके प्रकाश के तेज से ही सभी कुछ प्रकाशित हो रहा है। इस संसार का जो मूल है, वही चैतन्यता ज्योति स्वरूप है। आप सबसे महान होने के कारण परम शक्तिशाली ब्रह्म हैं। आप ही सत्य स्वरूप होने के कारण अमृत अविनाशी स्वभाव वाले हैं। ये सारा जगत, अनंत ब्रह्मांड, सभी कुछ आपसे भासित होता है, आपकी आज्ञा से ही वर्तता है। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको नमन करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं। आप ही मेरे जीवन के सर्वराकार हैं। हे मेरे जगदीश्वर, इस देह में इसके पतन के पूर्व ही, इसके समाप्त होने के पहले ही मैं आपको जान सकूं, मैं आपको जान सकूं, तभी प्रभु मैं बंधनों से मुक्त हो सकता हूं। हे मेरे पिता, यदि मैं इस जीवन के रहते आपको नहीं जान पाया, तो जन्म और मृत्यु के बंधन से कैसे मुक्त हो सकूंगा? कृपा करें प्रभु, आप अपना दरस दें, अपना ज्ञान दें। जिस प्रकार हे प्रभु दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देखते हैं, उसी प्रकार दर्पण के समान निर्मल हुई अपनी बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन कराएं। इस मनुष्य लोक में ही मुझे आत्म दर्शन कराने में मेरे मार्ग को अति सुगम करें। हे मेरे योगेश्वर, आप ही हमारी पूर्णता हैं। आपको प्राप्त करके ही ये जीवन धन्यता को उपलब्ध होता है। अनेकों अनेक योनियों में भटकने के बाद ही ये मनुष्य जीवन मिला है, जो एक ऐसी सीढ़ी पर खड़ा है जहां से उपयोग करके ऊपर की ओर जा सकता है, परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर सकता है। यदि हम ऊपर की यात्रा नहीं करते, तो हम अधो गति में पुनः जन्म मृत्यु के भंवर जाल में फंस जाएंगे। मनुष्य एक संभावना है परमात्मा बनने की अथवा नीचे पुनः उतरने की। इस सर्वोत्तम संभावना को साकार करने एवं अपने स्वर्णिम राज्य में प्रवेश करने में आप हमारी मदद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद।